हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती। स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे पोहे से, ब्रेड से और आलू से टेस्टी सा नाश्ता। इसके लिए मैंने लिए हैं 7-8 आलू, उबाल लिए हैं। पहले एक कटोरी पोहा लिया है, इसे मैं एक कटोरी पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी, 2 बार वॉश करूँगी और धोने के बाद इसे अच्छे से निचोड़ लूँगी, मतलब पानी निकाल दूँगी इसका। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे से एक बार इसी तरीके से, मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, इसे बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें हम एक ब्रेड फ्रिज में रखी थी काफ़ी दिन से, वो थोड़ी कड़क हो गई थी और ये ब्रेड क्रम्स की तरह हो गई है। एक ब्रेड डाली है मैंने इसमें, 2 भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ता है मेरी रेसिपी में, मैं घर से ही सब कुछ बताती हूँ, कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। अब इसमें मैंने एक टमाटर डाला है, एक टमाटर चॉप किया है, एक प्याज डाली है छोटे साइज़ की, वो भी 2 हरी मिर्च काटी हैं और ये 7-8 आलू उबले हुए आलू मैंने डाले हैं इसमें। अब इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे, लेकिन ये मुझसे हो नहीं रहा, इससे मुझसे सही से चलता नहीं है, मैं तो हाथ से ही मैश कर लूँगी इसको, हाथ से अच्छे से मैश हो जाता है अच्छे से। अब इस सारे सामान को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें हम मसाले डालना शुरू करेंगे। बच्चों को एक बार बनाकर खिलाएंगे, उनका फेवरेट हो जाएगा, वो हर रोज़ आपसे यही कहेंगे कि मम्मी ये बना के खिलाओ। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर मैं थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डली है और बच्चे के लिए बनाते हैं तो थोड़ा सा मिर्च कमी रखनी चाहिए। अब नमक डालेंगे इसमें, मैजिक मसाला डालेंगे, जो मैगी वाला मसाला है वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। गर्म मसाला डालना चाहें डाल लें, बाकी इसमें चाट मसाला डालेंगे, मैगी मसाला तो मैंने डाल ही दिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे और इसमें आप चिली फ्लेक्स डालेंगे, हैं तो डालिए, ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिली फ्लेक्स के बिना भी बहुत टेस्टी बनता है। अब इसका अच्छे से सारे मसाले को मिक्स करते हुए अच्छे से एक अच्छा सा डो लगा लेंगे और ये वाकई में ऐसे ही आप ऐसे ही बिना फ्राई किए भी ऐसे ही खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं बताती कि देखने में कुछ लगे और जब आप बनाएं तो वो परफेक्टली नहीं बने, बिल्कुल मेरे माप से जो जो मैं बताती हूँ वैसे करके बनाएंगे तो बिल्कुल सेम बनेगी। अब मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है, मैदे को ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं घोल तैयार करेंगे, इसका एक घोल तैयार करना है इसका, से चम्मच की मदद से हिलाते हिलाते इसका घोल तैयार कीजिए, देखिए इतना पतला रखना है। अब ये घोल बिल्कुल परफेक्टली हो गया, अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स तो मेरे घर में पिज्ज़ा आता है कभी कभी, वो बचा हुआ था मैंने उसमें से डाल दिया, नहीं है आपके पास तो कोई ऑप्शनल नहीं है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेना। एक मैगी का पैकेट लेंगे 14-12 रुपये वाला और उसे अच्छे से मैगी को तोड़ लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, छोटे छोटे सी मतलब अच्छे से तोड़ना है इसको और ना टूटे तो थोड़ा सा हल्का सा इस पर मतलब चोट करके थोड़ा सा मतलब पतला पतला बिल्कुल छोटे छोटे से इसके टुकड़े होने चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं। और अब हमने जो डो लगाया था अब उसे अपनी शेप आलू की इस टिक्की बना सकते हैं आप, लंबाई में दे सकते हैं, गोलाई में शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप अपनी मर्जी से दीजिए। सारे इकट्ठे एकदम तैयार कर लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे डो लगा लिए हैं इसके और मैंने थोड़ा सा टिक्की भी लग रही है ये और थोड़ा सा चकोर टाइप में भी लग रहा है। अब इसे मैदे में भिगोएंगे, हल्का सा डिप करेंगे, मैदे में डिप करने के बाद इस पर मैगी लगाएंगे और एक कढ़ाई पे मैंने तेल भी चढ़ाया है डिम गैस पे, वो तेज़ हो गया, तेज़ गर्म हो गया वैसे तेल, जब इसे तलेंगे तो गैस फुल कर लेंगे आप। इकट्ठे इन्हें भी मैगी लगा के इकट्ठा तैयार कर सकते हैं और एकदम ही इसको फ्राई कर सकते हैं, सारे डो को सारी टिक्कियों को इकट्ठे फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूंगी, तेज़ गैस है, बिल्कुल तेज़ गरम तेल है, तो देखिए फ्रेंड्स एकदम बनके एकदम क्रिस्पी और टेस्टी, जो भी एक बार खाएगा ना आपकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।